प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में रैली रद्द हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा चूक के कारण प्रधानमंत्री की रैली रद्द करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। मंत्रालय ने पंजाब सरकार से सुरक्षा में हुई चूक को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा, यह दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं का शुरू करने के लिए पीएम का दौरा बाधित हो गया, लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधक नहीं बनने देंगे और पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे। लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए राज्य पुलिस को निर्देश दिया गया था। पुलिस की मनमानी और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत के कारण बड़ी संख्या में बसें फंसी हुई थी। मुख्यमंत्री चन्नी ने मामले का संज्ञान लेने या इसे हल करने के लिए फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली राजनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देगी।